हम क्या करते हैं, वो ये सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने इनकी जो है इंटरव्यू सुने, इन्हों का एक ही कहना, ये फंडामेंटल्स के ऊपर जाते हैं, टेक्निकल्स के ऊपर जाते हैं, पूरी पूरी किताबें, एनुअल जो इनका जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और इनके जितने भी रिजल्ट और नोटिस आते हैं वो कर रहे होते हैं। बेसिकली फंडामेंटल्स क्या होते हैं, मैं आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा इन डिटेल के किस तरह रेशो एनालिसिस करके आदमी जो है बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकता है और 18 से 35% तक कमा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ टिप नहीं चलती है, माजरत के साथ, इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, डिविडेंड पेइंग रेशियो, आपका टर्नओवर, फ्री फ्लोट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, शौक नहीं है, तो हम किताबें पढ़ेंगे और आपके लिए रिसर्च बनाएंगे। और एक और बात, और आप आने वाली वीडियो में हमारी रिसर्च देखेंगे और हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसकी बेसिस आप काम कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट है क्या भाई? आप KC 100 इंडेक्स आप सुनते हो क्या? ये भी एक नई वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि ये क्या होती है, ठीक है। अभी आप ये जान लें कि स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री कैसे लेना, आपने 5,000 से भी एंट्री ले सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने किसी भी अच्छे ब्रोकरेज हाउस को सेलेक्ट करना है, उसकी वेबसाइट पर जाना है, 5,000 का कैश डिपॉजिट ऑनलाइन या फिर चेक दे के आपने अकाउंट खुला लेना है, ठीक है। उसके बाद बाय सेल ऐसे ही होती है जैसे कि आप मार्केट में आलू प्याज खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या शेयर्स लेने हैं, कौन कौन से शेयर लेने हैं, कौन से नहीं लेने, ये डिपेंड करता है रिसर्च के ऊपर, वो रिसर्च हम आपको आने वाली वीडियोज में प्रोवाइड करेंगे। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।